फीस जमा हुए करीब 20 दिन हो गए है ना, और फीस की स्लिप अभी तक कॉलेज में जमा नहीं हुई है। जब तक जमा नहीं किया था तब तक डेली नाटक खा कर रही थी, तो जाती हूँ तो ताला बन रहा है। एक दिन आ गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। अभी ना सुबह के बज रहे हैं 9, ऑलमोस्ट नहा होकर ना बिल्कुल रेडी दुकान के लिए डेली के रोटेशन में। और हाँ, इतने दिन से ना ब्लॉग नहीं आ रहा था ना, सभी लोग ना पूरी तरह से परेशान थे। आज हम लोग ब्लॉग ना अपलोड हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 बजे ना आ जाएगा यूट्यूब पर। और हाँ, अभी चलते हैं, थोड़ा सा गोलू इधर सड़ जाना है क्योंकि एक पेमेंट लेनी है अपने को। और अभी स्वाति को बोला हूँ पानी भरने के लिए, मम्मी भी खाना बनाने की तैयारी है ना। रीवा जाना है मेरे को 12-1 बजे के आसपास, मैं इधर ही साइड लौटूंगा तो खाना वाना खा कर निकल जाऊंगा बस। आज धान वगैरह लेने जाना है कुछ, तो वही मतलब जाएंगे करीबन 12-1 बजे के आसपास, तो देखते हैं। और हाँ, अपनी ना छोटी वाली मशीन भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, अभी सज्जाद भैया से भी बात करते हैं बड़ी वाली मशीन, क्योंकि फोटोकॉपी ने अपना बंद है काम इस समय 3-4 दिन से, क्योंकि जब से मशीन में लाया हूँ तो एक दिन बस चला है, इसके बाद ना पेपर उसमें फंसने लगा। तो आज बात करता हूँ, अभी आज के लिए वो बोले थे कि आज भेजूंगा बंदे को, तो आज देखते हैं वो कब तक मैं भेज देंगे, भेज दें तो जल्दी हो जाए, क्योंकि ना वहाँ पे ना बैंक के कारण ना काफ़ी कस्टमर लौट जाते हैं डेली के डेली। तो अभी उनसे बात करते, पहले साथ ही ना बॉटल भर दे, इसके बाद यहाँ से निकल दें। एक बॉटल अपना मस्त चिल बर्फ हो चुका है, तो इसी को ना जार में डाल देंगे तो ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि ना अभी ना धूप नहीं कर रहा है इस समय ज़्यादा हल्का, अभी मतलब आज तो बिल्कुल नहीं, पूरा बादल छाया हुआ है, तो इस कारण से ना मस्त मौसम ठंडा किया हुआ, तो ज़्यादा पानी का भी यूज़ नहीं होता है। मशीन के कारण ना काफ़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि बैंक ओपन होते ही ना कस्टमर आने ही लगते हैं, मतलब 2-4 आ ही चुके हैं। छोटी वाली मशीन जो थी हमारी एप्सन वाली, वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, उसको चलते हैं रीवा जाएंगे थोड़ी देर से, तो उसको ला लेंगे आज जाकर। और इसको अभी फ़ोन किया हूँ सज्जाद भैया को, देखता हूँ कब तक में आते हैं कब तक में नहीं आते। वैसे मेरे को ना अभी निकलना पड़ेगा रीवा, बिकॉज धान भी लानी है। आशीष भैया से बात हो चुकी है, उनसे भी बात मतलब हो गई है कि वो बोले हैं कि आओ देखते हैं कौन कौन सी लेना है कौन कौन सी नहीं, वो जो ले गए होंगे उसी हिसाब से देख लूँगा। जो यहाँ वैरायटी मेरे को मांग रहे हैं लोग बाग कुछ हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, उन्हीं को मैं लाऊँगा कुछ। भाई हम लोगों का ना धान वगैरह ना यहाँ से मैं ऑर्डर दे दूँगा दादा को, अभी अन्नू को बोला हूँ 1-2 घंटे में आकर वो ना यहाँ से ले जाएगा। सचिन कल पट्टे, तो उसके लिए कपड़ा लेने आया हूँ, देखता हूँ 1-2 ऑटो लो भर अपने लिए क्या होता है। सुमन भैया तो ले रहे हैं, मस्त लगे हुए हैं सभी लोग अपने लिए, देखता हूँ 1 लोवर लूँगा अपने लिए मैं, कितना टाइम लगता है यहाँ से। और ये देखिए, इन लोगों के चक्कर में हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद होता हुआ, एक ये है हमारे भैया और एक ये है हमारे भैया। अब ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने फैशन में, एक इधर साइड हमारा बहुत तेजी से जिम जा रहा है इस समय, पूरा एकदम फिट एकदम कर चुका है। ये ठीक लग रही है, लेकिन थोड़ी सी ना बताइए कैसी लग रही है टी शर्ट। हर 2 महीने में एक बार हम लोग टी शर्ट ले ही लेते हैं कपड़े, मतलब किसी का जन्मदिन हो कम नहीं, जन्मदिन किसी का हो कपड़ा हम लेते हैं भरपूर बराबर बराबर का हुआ नहीं, साथ सबको देना चाहिए है ना, समर्थन समर्थन सबका होना चाहिए। रात के ना बज रहे हैं अभी 10, और अभी जस्ट मैं ना दुकान से आया, शाम को ना ब्लॉग हम लोग शूट नहीं कर पाए बिकॉज ना पूरा सामान वगैरह आ गया था, उसको उतरवाए जमाए दुकान में, कल दिखाएंगे कैसा पूरा, मतलब पूरी ना धान वगैरह ना सब जम चुकी है मस्त पूरे रूम में। ये देखिए, ये इंसान अपना काम कभी पूरा से करती नहीं है। क्या देखी हो, बॉटल निकालो, बॉटल निकाल कर ना धर रख दो बर्फ जमने के लिए, पंचायत ना करो फालतू में। फीस जमा हुए करीब 20 दिन हो गए है ना, और फीस की स्लिप अभी तक कॉलेज में जमा नहीं हुई है। जब तक जमा नहीं किया था तब तक डेली नाटक खा कर रही थी, जाती हूँ तो ताला बन रहा है। एक दिन आ गई, जम जम नहीं, एक दिन इसको बोला जाता है कि 1 दिन गई हूँ पंचायत फालतू में मस्त। तो हाँ बस ना पूरा थक चुका हूँ, क्योंकि रीवा से ही ना मैं काफ़ी लेट आया, वहीं से काम धाम पूरा करवा कर तो अपने को आने में ना शाम हो गई, रात हो गई कह दे तो। और हाँ अभी ना चलते, फिर मैं दुकान भी गया, वहाँ उतरवाया, मतलब 9:30 बज गए थे दुकान से यहीं आने में। अभी जस्ट आकर ना मुँह धुला, खाना वगैरह खाया हूँ, अभी चलते हैं सोने की तैयारी करते हैं। घर में ना इसमें चुनावी माहौल चल रहा है, सभी लोग मस्त इधर उधर, कोई कहीं भी प्रचार कर रहा, कोई कहीं भी प्रचार, सिर्फ मैं और स्वाति बस 2 लोग और मम्मी, इतने लोग बस प्रचार में नहीं जाते हैं, बाकी सभी लोग मस्त प्रचार में मगन रहते हैं अपने अपने। हाँ बब्बा से भी कोई मतलब नहीं, बस हाँ जो आया बोल दिया सुन लिए बस हो गया, उनसे कोई मतलब नहीं। और हाँ अभी चलते हैं, आज कूलर में ना अपने को पानी डालना पड़ेगा, बिकॉज आज ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हो रखी है कह सकते हैं, क्योंकि और हाँ स्वाति मस्त चला देगी, मैं ला कर डाल दूंगा। आज हम लोग कूलर में ना करीबन करीबन कहें तो
5-6 दिन बाद पानी डाल रहे हैं, मतलब। और हाँ, बाहर ना इतनी शानदार हवा चल रही है, लग रहा है मस्त छत में भी छाव सो जाओ, बट हाँ सो नहीं सकते क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ है किसी भी समय पीट पाट कर बराबर कर देगा पानी, लेकर भगदड़ मच जाएंगे हम लोग। तो इससे अच्छा है कि भाई नीचे ही लेटे रहो, कूलर चला लो और हाँ खिड़की भी खोल दो। ये देखो ये लोग ऐसी खिड़की उड़की पैक करके रखती, पूरी अंदर गैस भर जाती है। तो खिड़की भी खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल दिए मस्त। और हाँ यहाँ पे ना खड़ा होता हूँ ना, मस्त हवा चलती है। वैसे इस टाइम ना गांव में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कीड़ों की, क्योंकि ना गर्मी बरसात के टाइम में ना अगर लाइटें जल जाती है ना तो चारों तरफ से कीड़े आने लगते हैं। अभी हम लोग ना मतलब अब रूम में ना एक दो बिस्तर में घूमने लगे हैं, और हाँ अभी अंदर तो ज़्यादा नहीं आ पाए हैं क्योंकि बाहर की लाइट ना चालू है, तो बाहर थोड़ा सा चले जाते हैं। अगर अंदर की बंद कर दो तो बाहर ही चले जाते हैं, बट हाँ थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं। साथ ही अपना लगी हुई है मस्त, अभी हाथ में धुल कर आई है। हम लोग ना कूलर में पानी भरवाए हैं, रात के ना अभी मस्त बज रहे हैं 1, और अभी ना मैं बाहर निकला। और हाँ आज लाइट ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही घर में, बिकॉज क्या मतलब कूलर चलाया हूँ ना, एक बार कूलर धीमा होता है एक बार तेज होता है, पता नहीं क्या है, बस एक ये लाइट और हाँ घर के अंदर ना LED जो लगी हुई है वो बस सही जल रही है, बाकी AC तो चल ही नहीं रहा शाम से 6 बजे से। पापा की मस्त कूलर, मैं तो मेरे रूम में तो कूलर लगा हुआ, थोड़ा बहुत कूलर काम चलाया हुआ, फैन के मत्थे तो नींद ना गिरा रहते हैं। अभी ना गाइस इस ब्लॉग को ही पिन करते हैं, होपफुली आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, राधे राधे, बाय।